पार्टी की लीड भी है थी, पार्टी के तमाम मेरे भाइयों, युवा साथियों, बुजुर्गों, पत्रकार, छायाकार, हमारे साथी ताज जी, आपके सरपंच महिपाल जी यहाँ गढ़ी से, आपके जिला परिषद के मेंबर भाई शरणदीप जी, हमारे कमालदीन जी, हमारे पड़ोस में से जिला परिषद के मेंबर भाई बलविंदर जी वर्मा जी, मास्टर छज्जू राम जी, हमारे अंसारी जी और सरपंच साहब राम कुमार जी, पंत जी, मुखराम जी, सारे जितने भी सब आदरणीय हैं अभी देर सिंह जी, ठीक है को बड़ा चक्कर ही हुआ वही मेरे वास्ते सब बहुत ही आदरणीय है और मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप, क्योंकि आप मुख्य अतिथि आप है, क्योंकि आपने बुलाया, मैंने आमंत्रित करके आप बुलाए गए, आप तो इस कारण बुलाए गए, सारी बातें विस्तार से यहाँ हुई कि जो लोकसभा का चुनाव 25 तारीख को होने जा रहा, हमारे 10 कार्यक्रम तो हो चुके हैं वरुण राणा जी के, अब 12 तारीख के हमारे फिर कार्यक्रम वहाँ हैं रामपुर स्यूड़ी, कालका बाजार और मोरू, उसके बाद हमारा रह गया रैपराणी एरिया और कुछ एरिया जो रह गया और भी रह गया, तो उसकी तैयारी वास्ते है, क्योंकि आज उन्होंने कहा था हम तारीख दे देंगे भी कद के प्रोग्राम, लेकिन किसी कारण तारीख आ नहीं सकी, लेकिन हम अपने कार्यक्रम तैयार करके रखे हैं भी, अगर ऊपर से जल्द भी कोई डेट आए तो हम कहने भी फलाना कार्यक्रम हमारा फलानी जगह, क्योंकि फिर मीटिंग बुलाऊंगे फिर करूंगे तो तैयारी खराब होगी सिस्ट होगी, तो आज आपने जो बुलाया गया आमंत्रित करके यहाँ आए आप सभी साथी कि कैसे यहाँ फाइनल करते हैं गढ़ी प्रोग्राम, देखो जी तो अद्धा दिन मिला फिर तो 4 प्रोग्राम होंगे जोड़ ला के, एक तो हमने कर दिया फाइनल मौली, दूसरा हमने कर दिया फाइनल गढ़ी, ठीक है सब राजी है ना, अगर प्रोग्राम पूरे दिन के मिले फिर हम इन्होंने बढ़ाऊंगे प्रोग्राम, फिर 8 या 9 करने का हमारा प्रयास होगा, फिर हम इधर एक प्रोग्राम और बढ़ा लूंगे, ठीक है, अगर जितने भी प्रोग्राम आएंगे वर्कर हम डिवाइड कर लूंगे इनको आके वहाँ इस तरह से, देखो इस चुनाव का बहुत महत्व है, वोट बीजेपी नु क्यों नहीं देनी और कांग्रेस नु क्यों देनी, सीधे से मतलब ये हुआ बीजेपी जो आज जो है महंगाई कहा उसने भी हमने कम कर दी, उसमें यादव कहे हमने महंगाई पर, क्योंकि स्मृति ईरानी चूड़ियाँ तोड़ के सियापे करी करती थी ना, अभी सिलेंडर 450 का बहुत महंगा, रामदेव कहे करता था हम पेट्रोल डीजल 30-35 रुपये 40 रुपये दोगे, कह रहे थे ना, तो 2,02,00,000 युवा का बड़ा धोखा करा कि हम युवा को अच्छे दिन चाहिए, युवा करे हाँ भी अच्छे दिन चाहिए, तो हम 2 करोड़ नौकरियाँ हर साल देंगे, 10 साल में किन्नी नौकरियाँ बनी, बीजेपी के शासनकाल में बंद हुई, पहला बंसीलाल जी की बीजेपी की सरकार थी उस टाइम ICC बंद हुई और उसके बाद फिर अब HMT बंद कर दिया, बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई, महंगाई इन्होंने बढ़ाई, सड़क की हाथ लो आपकी तो बढ़ गई कुदरती ऊपर से आ गई कहीं चाहे रैपर रानी ब्लॉक का, चाहे आप रैतर में चले जाओ, चाहे जून में चले जाओ, और देखो इतनी बड़ी आपदा आई थी, पुल टूट गए गिर गए, हिमाचल में भी तो बहुत बड़ी आपदा आई थी, बिल्कुल हिमाचल का सिस्टम ठीक कर दिया सारा, हिमाचल में ज्यादा हमारे आज मोरनी के जहाँ मड़वा पे था वहीं पड़ा, और जो पुल बन रहे हैं या बाईपास बन रहे हैं सुखो मजरी वाला 10 साल हो गए उस, मतलब कछुए की चाल की तरह काम कर रहे, कहीं 7A लगा दी, कहीं पैरा फेरी एक्टा, मतलब कहीं
ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੋਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੰਜੋਰ ਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 15-15 ਮਿੰਟ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਧਰਮ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ। ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਫੇਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਫੇਲ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ 400 ਪਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੂਤਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਵੀ ਇਨਕੇ ਕਰਾਵਾ ਟੈਂਪੂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਕੇ ਨੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਉਲਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਈਡੀ CBI ਸਾਰੇ ਪਾਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੜਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਆਪ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ GTV ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, GTV ਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਬੋਸ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਐਂਕਰ ਉਂਕਰ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਤੋ ਕਿਆ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖ ਗਿਆ ਵੀ BJP ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਰ ਪਾਰ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਖ ਜੋ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਗਿਰੀ ਆ ਵਰਲਡ ਮਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਕੀ ਸਾਖ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਐਸੇ ਮਤਲਬ ਬਾਤਾਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਅਬ ਜਹਾਂ ਗਊ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿਆ ਵਾ, 250 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੈੱਟ ਖੋਲੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ